नमस्कार, मैं हूं जादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज के इस खास पेशकश में सबसे पहले बात कर लेते हैं सनी देओल के ताजा ट्वीट्स के बारे में। दरअसल हाल ही में सनी देओल द्वारा जहां लगातार ही कुछ ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जहां सनी देओल भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारे ट्वीट्स कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि सनी देओल का आखिरी ट्वीट मोदी जी के लिए धन्यवाद था। तो वहीं अब हाल ही में ट्वीट किया है सनी देओल के पापा यानी कि धर्मेंद्र ने। दरअसल सनी देओल के पापा धर्मेंद्र ने हाल ही में दो ट्वीट शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, पहले ट्वीट में, बी ट्रू टू योर जॉब टू सर्व द न्यू इंडिया, यानी कि अपने काम के लिए सच्चे रहें और इंडिया को नई चीजें देते रहें और इंडिया की बेहतरी के बारे में सोचते रहें। इसके अलावा आपको बता दें कि आगे उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एवरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड लर्न। और इसके साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर की, जिसको आप धर्मेंद्र के ट्विटर हैंडल के जरिए देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच जहां उन्होंने ये दो ट्वीट्स हाल ही में किए हैं, तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इसके अलावा धर्मेंद्र ने कई ज्यादा बड़े खुलासे भी किए हैं। गौर इस बात पर कि धर्मेंद्र जिस तरीके से लगातार ही इन दोनों सनी देओल और हेमा मालिनी को लेकर ट्वीट्स कर रहे थे, तो वहीं इन दोनों को बधाई भी दी थी धर्मेंद्र ने। लेकिन इसी बीच उनके दो ट्वीट्स दिखाते हैं कि वो चाहते हैं कि हेमा मालिनी और साथ ही साथ सनी देओल दोनों ही अपने काम को पूरी सच्चाई के साथ और साथ ही अच्छे तरीके से निभाएं। इसी बीच अब आपसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से धर्मेंद्र द्वारा काफी ज्यादा दर्द उनको सहन करना पड़ा। दरअसल धर्मेंद्र हर बार एक ही चीज कहते हुए नजर आ रहे थे जब वो सनी देओल का चुनावी प्रचार में उतरे थे। सनी देओल के लिए प्रचार करते करते उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात से बेहद ज्यादा दुख है कि उनका ही बेटा जाखड़ परिवार के सुनील जाखड़ के सामने खड़ा हुआ है। उनको काफी ज्यादा दुख है इस बात से कि जाखड़ परिवार के बेटे सुनील, जो कि लगातार ही लोकसभा चुनाव 2019 में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं सनी देओल ने उनको हरा दिया। इसी बीच धर्मेंद्र का काफी ज्यादा दुख व्यक्त हुआ था और उनको काफी दर्द महसूस हुआ था कि भाई सुनील जाखड़ के सामने सनी देओल खड़े हुए थे, जो कि उनके खुद के बेटे हैं। यानी कि सनी देओल के दिए हुए दर्द से धर्मेंद्र को काफी तड़प जहां महसूस हुई, तो वहीं अपनी आपबीती धर्मेंद्र ने कई जगह बताई। इतना ही नहीं, काफी ज्यादा इमोशनल भी धर्मेंद्र हुए। जी हाँ, धर्मेंद्र के इमोशंस यहाँ साफ झलक रहे थे। तो वहीं धर्मेंद्र जिस तरीके से लगातार ही अपनी आपबीती बता रहे थे सनी देओल को लेकर, तो वहीं उन्होंने बताया कि किस तरीके का दर्द उनको महसूस हुआ। और हाल ही में जो उनके ताजा ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, वो काफी कुछ बयां करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बेटे और साथ ही साथ उनकी पत्नी काफी अच्छा काम करे देश के लिए और सच्चाई से भरपूर देश की सेवा करते रहे। गौर इस बात पर कि अब गुरदासपुर की टिकट पर जहां सनी देओल जीते हैं, तो वहीं गुरदासपुर के लोगों की देखरेख करेंगे वो और हेमा मालिनी मथुरा की। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।